बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ टीम 360 के विपुल सर, विनीत सर का, कि जिनकी शानदार मेंटरशिप, जिनका शानदार मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है। ये तो बिल्कुल एक तरीके से ये हम लोगों के लिए अनोखा एक्सपीरियंस था। इस तरीके से कभी कोई एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया नहीं, और जो रिजल्ट बिल्कुल लास्ट में दिखा तो क्या ही बताएं, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। अभी तक जितने भी सेमिनार हुए हैं, जितनी भी एक्टिविटी वर्कशॉप हमारे स्कूल में हुई है, ये बेस्ट है। और मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग दूसरे स्कूल्स में भी जाएं, वहां भी बच्चों को वार्म अप करें। और ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में, एक्टिविटी में, कोकुलर में बेस्ट हो। बच्चे ग्रो करेंगे, बच्चे डेवलप करेंगे तो हमारा इंडिया डेवलप करेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम रेगुलर जो है कनेक्टेड है पायोनियर स्कूल से, और अभी आपके सामने मौजूद हैं पायोनियर स्कूल जानकीपुरम में। और कल भी प्रोग्राम किया था, आज भी प्रोग्राम किया था, और बच्चे बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, तो उनका रिजल्ट भी आ गया। अभी हम उनसे बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि उन्होंने दो दिन में क्या किया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो है अभी वो जो हम बता रहे हैं उसे फॉलो करेंगे कि कितना फॉलो करेंगे। तो चलिए मुलाकात कराते हैं, एक एक से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? हाँ जी, आराध्या शुक्ला। तो आराध्या, आपने एंजॉय किया? यस सर। आज क्लास क्या था, क्लास में मजा आया? यस सर। कलर कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे थे आप में, आप लोगों को कैसे पता चल रहा था कलर का? सर, इस्माइल करके। इस्माइल करके। यस सर। ओके। क्या नाम है आपका? खुशी। कैसा फील हुआ, थकान थोड़ी हुई, थक गए थे क्या? यस सर। फिर थकने के बाद में क्या हुआ, नींद आई या बस ऐसे जगह ही रहे? सर मतलब रिलैक्स हुए, बट इतना नींद नहीं आ रही। ओके, रिलैक्स हो गए थे। वो म्यूजिक आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको सुलाने के लिए नहीं, सोने के लिए रात है। चलिए, सो स्किप सृष्टि, सो विल नॉट वर्क ऑन इट। ओके ओके। अभी आपका क्या नाम बेटा आपका? आशु पांडे। आपने भी आज ही अटेंड किया होगा फिर क्लास डायरेक्ट, या कल प्रोग्राम अटेंड किया था? ओके। कैसा एक्सपीरियंस रहा, थके तो नहीं ना? एंजॉय किया? हाँ, वो तो मैं सबको देख रहा था तुम लोगों को। अच्छा, अभी आपसे भी पूछ लेते हैं, आप में से कलर आप लोगों ने भी रिकॉग्नाइज किए थे, तो आपको कैसे पता चला था क्या कलर है? सुबह स्मेलिंग है सर, फोरहेड के हिसाब से। आपका क्या नाम बेटा? नम्रता। ओके, नम्रता दिख रहे हैं नम्र बहुत। और आपने भी एंजॉय किया? ओके। थकान वकान वाला तो नहीं है ना, एंजॉय किया ना? ओके। एक्चुअली हम लोगों का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि बच्चों को इस तरह से एक्टिविटीज कराई जाए, क्योंकि कोविड के बाद वैसे भी बच्चे इतने ज़्यादा इंगेज नहीं है स्पोर्ट्स को लेके, तो हम लोगों का ये रहता है कि कहीं थकान नहीं हो जाए, तो जितना कराई जाए कम से कम प्रयास करते हैं कि उसमें ज़्यादा रिजल्ट आए, लेकिन फिर भी बॉडी मूवमेंट होना जरूरी है। तो काफ़ी एक्सरसाइज कराई थी, तो हमें भी ये रहता है कि बच्चे ज़्यादा थक नहीं जाए, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत रिलैक्स हुए, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, और हम लोग इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को इसी तरह की फन वाली एक्टिविटीज़ करा के, म्यूजिक सुना के, एक्सरसाइज करके, और जो है रिजल्ट हम लोग निकाल के आए। अब साथ में विनीत सर भी मौजूद है जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी टीम 360 है, और उनसे भी आपकी बात कराने वाले हैं, और साथ में और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कराने वाले हैं। तो चलिए विनीत सर से बात कराते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का। आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग जो है साथ में बच्चे हमारे साथ मौजूद है, सुबह जल्दी क्लास स्टार्ट हुई थी और बहुत जल्दी हम लोगों ने किया, और बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, एक्टिव स्टूडेंट्स हैं सारे बच्चे, जिनमें से कुछ हमारे साथ में मौजूद है, काफ़ी सारे बच्चे थे अभी चले गए, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए क्लास आप लोगों ने अटेंड कर ली है, तो अब आप मोबाइल से दूर रहिएगा, अदरवाइज जो रिजल्ट आया अभी हमारे में ये वहाँ पर चला जाएगा और दोबारा नहीं आता है। पानी आपको ज़्यादा ज़्यादा पीना है, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर गेम नहीं खेलने हैं, अगर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सो अभी हमारे साथ जो है अनंत सर भी मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, और ओम प्रकाश जी भी मौजूद है, तो चलिए ओम प्रकाश जी से शुरुआत करते हैं। आज ओम प्रकाश जी ने भी लास्ट जो है हम लोग अभी ये करके बाहर निकल रहे हैं, तो हमने कहा चलिए इस प्रोग्राम का भी एक्सपीरियंस सर का लिया जाए। आज पूरा बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने डेमो नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्लास कराई, तो सर का भी एक्सपीरियंस जानते हैं, अनंत सर का भी एक्सपीरियंस जानेंगे। प्लीज सर, आज का जो क्लास रहा इसमें सीधे हम लोगों ने मिड ब्रेन की क्लास कराई बच्चों को, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था, लगभग 100% बच्चों ने रिजल्ट दिया, कलर्स रिकग्नाइज किया, और बच्चों ने खूब इंजॉय भी किया, और आगे भी हम इस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट से बात करके। और जो हमारा जो टारगेट होता है कि 10-12 सेशंस कराए जाएं जिससे बच्चों का पूरा रिजल्ट आता है इसमें, तो उसके लिए हमारी बात चल रही है, और साथ में हम अपनी टीम की तरफ से बच्चों को हार्दिक बधाई देते हैं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, देश का भविष्य उज्ज्वल होगा, देश आगे जाएगा, और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सर। अभी आपकी बात कराने वाले हैं दो
जवानों से, यंग लोगों से, यंगस्टर्स से कि भैया आपका क्या नाम है और आपका क्या एक्सपीरियंस है ज़रूर कैमरे में बताएं ताकि आपके एज के बच्चे भी इस चीज़ को सुन के मोटिवेट हो सके और आगे इस कार्य को कर सके। मेरा नाम ईशान है और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। जब हम लोगों ने एक्सरसाइज करवाई तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और उसके बाद उनकी आँखों पर पट्टी बांधी गई, उसके बाद वो लोग कलर रिकॉग्नाइज करने लगे और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ बहुत इन्जॉयफुल होती है। इसी लाइन में, इसी क्रम में हमारे साथ मेशान भाई मौजूद है, इन्होंने तो एक्सरसाइजेस कराई है तो इनका अपना एक्सपीरियंस होगा, पूरा एक्सपीरियंस इनका जानेंगे कैसा अनुभव है इनका, प्लीज़ बताओ। थैंक यू सर, और मेरा एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग था और जो कि बच्चे पहली क्लास में कलर रिकॉग्नाइज करने लगे, ऐसे तो बच्चों को 3 या 4 क्लास लगती है पर आप लोग के हेल्प और मदद से बच्चे पहली क्लास में इतना अमेजिंग रिजल्ट दिए, दैट वॉज सुपर्ब सर। अब इस टीम के बहुत मजबूत स्तंभ एक और हैं अनंत जी, उनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, बात कराने वाले हैं। वो बहुत तो सदावा बोलते हैं पत्रकारिता में, तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं, तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। और उनकी तारीफ हम नहीं कर रहे, स्कूल के चेयरपर्सन है वो स्वयं करते हैं, तो हम तो देख के हमें मतलब इनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, इनको ज्ञान देना मतलब सूरज को दिया दिखाना है, तो है ना इनके शब्दों से भी हम लाभान्वित होना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर ने कहा जैसे कम शब्दों में अपनी बात खत्म करनी है, तो जैसे कहते हैं ना कि खेलते खेलते सीखना, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से, कई टेक्नोलॉजी होती है कि बच्चों को याद करने के लिए या अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या अलग अलग क्लासेस कराई जाती हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम छोटे बच्चों को ही ब्रेन की इंजीनियरिंग करके ब्रेन उनको ही इंजीनियर बना के, उनके ब्रेन को इंजीनियर बना के कि फर्दर लाइफ में वो अपने टास्क्स में, एग्जामिनेशंस में, अपने एकेडमिक प्रोफेशंस में, अपने आगे जिंदगी में, मतलब ओवरऑल पढ़ाई के साथ साथ अपने सामान्य जीवन में भी वो किस तरह से अपने आप को बेहतर और मतलब सुदृढ़ पा पाते हैं, अपने आप को बिल्कुल 100% पा पाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यही है इसमें कि सिर्फ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कुछ अलग अलग म्यूजिक्स के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हम लोगों को उनकी इनर ऑरा से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने अंदर को भी पहचानता है और बाहर को भी पहचानता है। जैसे कि हमारा स्लोगन भी है टीम 360 का कि संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक बदलाव भी हो वाय आभामंडल का, आंतरिक आभामंडल का, जब आंतरिक और वाय आभामंडल दोनों शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अच्छे होंगे, तो हम जिस भी लक्ष्य को चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा इनबॉर्न टैलेंट है, हम उसको पा सकते हैं इस रिज एनालिसिस के माध्यम से, इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से, इस ब्रेन इंजीनियरिंग के कोर्स के माध्यम से। और मैं उनका इतना समय हमें मिल रहा है और सर इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और जो है नेक्स्ट स्कूल में नेक्स्ट प्रोग्राम फिर आपसे मुखातिब होंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए और लाभान्वित होते रहिए और लोगों को लाभान्वित करते रहिए। धन्यवाद।